हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और ये मैं शुरू में डिस्क्लेमर दे दूं, इंतहाई रिस्पेक्ट से और एहतराम के दायरे के अंदर रह के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बातों का मैंने हम जवाब देंगे, और कोई इसमें बदतमीजी ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मुझे वैसे मुझे आई हैव टू फाइट बैक, क्योंकि इस इंटरव्यू में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि अनफॉर्चुनेटली जब आप एक चीज के अंदर इतना घुस जाएं और बाकी चीजों से अपने आप को लाइल्म कर लें, तो फिर आप इसी तरह की बातें करेंगे जो जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं, जो कि टोटली इग्नोरेंट बातें हैं। इग्नोरेंट सख्त वर्ड है, लेकिन इग्नोरेंट है, क्योंकि चलें इसको शुरू करते हैं। तो फैसल वड़ाइच एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बड़ी उनके लाखों में उनकी वीडियोस के व्यूज हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, और उसमें उनसे कुछ सवालात पूछे गए। तो चांद पूरी ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन शुरू हम करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, इधर से जो उन्होंने पहले तो धजियां उड़ाई हमारे कुरान इस भाई हकीम जी, तुसी दे गए हो हकीम जी को रहा दिया टॉप पे जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती थी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में, पहले तशय्यो के हां आ जाए उनके लिए भी मेजर बुक तो कुरान ही है। उसके बाद उनकी जो मेन हदीस की किताब है, ऐसे तो चार किताबें लेकिन टॉप ऑफ लिस्ट जो है उनकी उसूल काफी है, प्लस नाजुल बलागा सैयद अली के खुतबात का मजमूआ है, मैं उसके भी रेफरेंसेस कोट करता हूं। लेकिन असल जो बुनियादी चीज है वो है अकीदा, और अकीदा कुरान से लिया जाएगा, हदीस सपोर्टिव हो, हमारी टेक्स्ट बुक कुरान है, हदीस हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है, वो रेफरेंस बुक है, कुरान की एक्सप्लेनेशन, इसे बयानुल कुरान कुरान में कहा गया, नबी इस्लाम ने उसे बयान फरमाया, वो सुन्नत का रिकॉर्ड अमली तवातुर से भी ट्रांसफर हुआ जिसे हम इजमाए उम्मत कहते हैं, और उसी का रिटन रिकॉर्ड आज से 1200 साल पहले ऑलमोस्ट फ्रीज हुआ हदीस की किताबों के शक्ल। अब आज जो आप कह रहे हैं, जो लोग सिर्फ कहते हैं हम कुरानी है, भाई ये जो अपने आप कुरानी कह रहे हैं ये कुरान को भी मानते हैं, हम ये कहते हैं कुरान की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है, कुरान के मुंह में जो इन्होंने अपना लुकमा डाला है, मैं इनको मुनकरीने कुरान कहता हूं, ये मुनकरीने हदीस नहीं है। अच्छा, गुलाम परवेज को आप ले लें, कुरान की वाज़े जो अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर गुफ्तगू थी मौजज़ात की, ईसा इब्न मरियम का बगैर बाप के पैदा होना, मूसा अलैहि सलाम का अजदहा बनाना उस लाठी को फेंके, इन सब की वो इंटरप्रिटेशन करते हैं गलत तरीके से, और इतने बुरे तरीके से करते हैं क्योंकि उन्होंने एक अपना दिमाग बना लिया कि मैंने मौजज़ात को नहीं माना। इनका सबसे बेस्ट रद्द गुलाम अहमद परवेज का जावेद अहमद गंदी साहब ने किया, एक लेक्चर उन्होंने फिक्र परवेज की खराबी, वो जबरदस्त उनका 1989 का लेक्चर है, कमाल उन्होंने उनका कोलो फेल का तजाद और उनकी जो डॉक्ट्रिन का तजाद है वो उन्होंने हाईलाइट किया, इसी जगह वो वाज़े चीज की कितनी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और कहां पर जाके वो उस तरह की वैसी चीज को उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कुरानिस्ट, ये मकबे फिक्र कभी भी मुसलमानों में नहीं रहा, ये रहा है कि जुज़वी तौर पर किसी हदीस का किसी ने इनकार किया हो, वो आज भी लोग कर रहे हैं, हनफी जो है वो बुखारी मुस्लिम को कुरान के बाद अफजल तो मानते हैं लेकिन ये हदीस का इनकार कर देते हैं, देखिए जो अल्फाज में बाज़ का बाज़ आते हैं, इस तरह का जो पिक एंड चूज़ है शुरू से रहा, लेकिन कैटेगोरिकली सुन्नत का इनकार करना, हदीस का इनकार करना, ये मुसलमानों में कभी कोई फिरका नहीं रहा, और अगर कोई कैटेगोरिकली सुन्नत का इनकार करे तो वो घुमराह नहीं है, काफिर है। ओके, ठीक, काफिर, ओके, यानी जो कुरानिस्ट हैं वो काफिर। इंजीनियर साहब वैसे फतवे नहीं देते, कहते हैं बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम लोगों को फतवे नहीं देते, हम सबको मुसलमान समझते हैं, लेकिन कुरानिस्ट को इन्होंने हमारी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्लेमर दे दो, रगड़ दो सबको लेकिन इन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कुरान खुद बयान कर देता अपनी हर चीजें, हमें हदीस की जरूरत नहीं है, यही मैं सही समझा उन्होंने कहा बयानुल कुरान, वो क्या इन्होंने हवाला दिया, आपको समझ आई ये वाली बात? नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं, आई थिंक यू मिस अंडरस्टूड, वो उन्होंने ये कहा है कि जो हदीस है ना वो उसको यानी कि बयान किया गया, यानी कि कुरान का बयान को हदीस उन्होंने लिंक अप किया है, यानी नहीं, तो ये दोनों मुझे सही से समझ नहीं आया ना कि ये दोनों तरह से खेले, एक तरफ ये कह रहे हैं कि कुरान खुद अपने तौर पे भी काफी है, लेकिन फिर उन्होंने नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कुरान अपने तौर पे काफी है, उन्होंने उनका कहना का मकसद ये था कि कुरान जो है वो समझ लें कि जो अगर हायरार्की है तो कुरान सबसे ऊपर है, वो तो ठीक है, उसके रेफरेंस बुक के तौर के ऊपर हदीस कंसीडर की जाएगी। नहीं तो फिर रेफरेंस बुक का क्या मतलब है फिर इसका, अब देखे ना ये दोबारा चलाता हूँ, वो है अकीदा और अकीदा कुरान से लिया जाएगा, हदीस सपोर्टिव होगी, हमारी टेक्स्ट बुक कुरान है, हदीस हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है, वो रेफरेंस बुक है, कुरान की एक्सप्लेनेशन, इसे बयानुल कुरान कुरान में कहा गया, नबी इस्लाम ने उसे बयान फरमाया, वो सुन्नत का रिकॉर्ड अमली तवातुर से भी ट्रांसफर हुआ जिसे हम इजमाए उम्मत कहते हैं, और उसी का रिटन रिकॉर्ड आज से 1200 साल पहले ऑलमोस्ट फ्रीज हुआ हदीस की किताबों के शक्ल। अब आज जो आप कह रहे हैं, जो लोग सिर्फ कहते हैं हम कुरानी है, भाई ये जो अपने आप कुरानी कह रहे हैं कुरान को भी मानते हैं, हम ये कहते हैं कुरान की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है, इससे भी पहले उन्होंने कहा था यहां पे कि कुरान अपने तौर पे काफी है, ऐसा नहीं बताया, तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे, मेरे साथ तो पॉइंट बंदे को नहीं प्लैनेट अर्थ के ऊपर, अब आ गए किताबें सारे मानते थे, अहले सुन्नत की एग्रीड अपॉन किताबें, कुरान के बाद वो छह किताबें हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक है, बाकी किताबें भी हैं लेकिन इनको अल्लाह ताला ने ज्यादा मकबूलियत दी, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसाई इब्न माजा, अच्छा
इसके अलावा भी हदीस की किताबें, लेकिन ये टॉप है जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती थी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में। अहले तशय्यो के हां आज उनके लिए भी मेजर बुक तो कुरान ही है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो मेन हदीस की किताब है, वैसे तो चार किताबें लेकिन टॉप ऑफ लिस्ट जो है उनकी उसूल काफी है, ठीक है, प्लस नाजुल बलागा सैयद अली के खुतबात का मजमुआ है, मैं उसके भी रेफरेंसेस कोट करता हूं। लेकिन असल जो बुनियादी चीज है वो है अकीदा, और अकीदा कुरान से लिया जाएगा। हदीस स्पोर्टिव हूं, हमारी टेक्स्ट बुक कुरान है, हदीस हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है, वो रेफरेंस बुक है, कुरान की एक्सप्लेनेशन, इसे बयानुल कुरान कुरान में कहा गया, नबी इस्लाम ने उसे बयान फरमाया, वो सुन्नत का रिकॉर्ड अमली तवातुर से भी ट्रांसफर हुआ, जिसे हम इजमाए उम्मत कहते हैं, और उसी का रिटन रिकॉर्ड आज से 1200 साल पहले ऑलमोस्ट फ्रीज हुआ हदीस की किताबों के शक्ल में। अब आते जो आप कह रहे हैं, जो लोग सिर्फ कहते हैं हम कुरानी है, भाई ये जो अपने आप कुरानी कह रहे हैं ये कुरान को भी नहीं मानते, हम ये कहते हैं कुरान की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है, कुरान के मुंह में जो इन्होंने अपना लुकमा डाला है, मैं इनको मुनकरीन कुरान कहता हूं, ये मुनकरीन हदीस नहीं है। अच्छा। बस गुलाम परवेज़ को आप ले लें, कुरान की वाज़े जो अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर गुफ्तगू थी, मौजज़ात की, ईसा इब्न मरियम का बगैर बाप के पैदा होना, मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा बनाना उस लाठी को फेंक के, इन सब की वो इंटरप्रिटेशन करते हैं गलत तरीके से, और इतने बुरे तरीके से करते हैं क्योंकि उन्होंने एक अपना दिमाग बना लिया कि मैंने मौजज़ात को ही मानना। इनका सबसे बेस्ट रद्द गुलाम अहमद परवेज़ का जावेद अहमद हमदी साहब ने किया, एक लेक्चर उन्होंने फिक्र परवेज की खराबी, वो जबरदस्त उनका 1989 का लेक्चर है, कमाल उन्होंने उनका कोलो फेल का तजाद और उनकी जो डॉक्ट्रिन का तजाद है वो उन्होंने हाईलाइट किया, कि किसी जगह वो वाजे चीज की कितनी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और कहां पर जाके वो उस तरह की वैसी चीज को उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कुरानिस्ट, ये मकबे फिक्र कभी भी मुसलमानों में नहीं रहा, ये रहा है कि जुज़वी तौर पर किसी हदीस का किसी ने इनकार किया हो, वो आज भी लोग कर रहे हैं, हनफी जो है वो बुखारी मुस्लिम को कुरान के बाद अफजल तो मानते हैं लेकिन ये हदीस का इनकार कर देते हैं, लेकिन जो अल्फाज में बाज का वाज़े आगे, इस तरह का जो पिक एंड चूज़ है शुरू से रहा है, लेकिन कैटेगोरिकली सुन्नत का इनकार करना, हदीस का इनकार करना, ये मुसलमानों में कभी कोई फिक्र नहीं रहा, और अगर कोई कैटेगोरिकली सुन्नत का इनकार करे तो वो घुमरा नहीं है, काफिर। ओके, यानी जो कुरानिस्ट हैं वो हदीस की सपोर्ट के बगैर समझने की कोशिश करते हैं या ये दावा करते हैं तो वो इस्लाम के तौर पर ठीक नहीं है। देखिए, हदीस की सपोर्ट के बगैर कुरान को समझने की जरूरत ही नहीं है, कुरान खुद काफी है, इसमें तो उनके साथ है, मैं सब कहता हूं कि हदीस की जरूरत है, मैं कहता हूं कि जिन मामलों में कुरान ने हमें सुन्नत की तरफ रहनुमाई की वो तो कुरान के ऊपर भी अमल कर रहे हैं, मतलब कुरान में आता है कि जब जुम्मे के लिए अजान दी जाए। अब ये वाला पॉइंट था, कह रहे हैं कुरान को, कुरान खुद ही काफी है, लेकिन फिर दूसरी पहले कह चुके हैं कि हदीस रेफरेंस बुक है, ये तो दोनों तरह से नहीं खेल लिया, मुझे दोनों तरह से खेल दिया, ये वाला पार्ट आपने पहले नहीं चलाया था, ये अभी आया ना, तो हाँ ये दोनों तरह, क्योंकि जो पहले उन्होंने मुकदमा बिल्ड किया है वो यही कह के जी हदीस को कुरान के अंदर ही, कुरान खुद उसको बयानुल कुरान कह रहा है, पहले उन्होंने हदीस की सपोर्ट की कुरान से, अब आके इन्होंने वो पैंतरा चेंज कर लिया कि नहीं जी कुरान वैसे खुद भी काफी है, तो ये फिर इनके सॉरी टू से बट इंजीनियर साहब के भी जो है ना कॉल के अंदर तजाद आ गया। हाँ, तो इंजीनियर साहब ये हो गया आपका तजाद नंबर एक, ये आप, और ये आप ये चीज नोट कीजिएगा, ये दोनों तरह से खेला जाता है हर जगह पे। अच्छा जी, इसको बल्कि पूरा कर देंगे, ये बाद में शिकायत ना करें कि देखो आपने सही तरीके से नहीं किया, पूरा मुकदमा इनका सुन ले, तो तुम मस्जिद की तरफ लपको। अच्छा, अब ये अजान है निदा, अरबी में कहते हैं पुकारने को, ठीक है, तो जुम्मे वाले दिन जब निदा दी जाएगी मस्जिद में आने के लिए, वो किन अल्फाज के साथ होगी? कुरान खामोश है, ठीक है, वो कहां से आएगी? वो सुन्नत और हदीस से पता चली कि अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, तो कुरान खामोश है तो इसका मतलब ठीक है ना, आप यही हमारा मुकदमा है, हमारा भी यही मुकदमा है उनके खिलाफ, कुरान इसके हमारा भी यही मुकदमा है कि भाई कुरान शरीफ जो है ना पूरी किताब नहीं है, हज के महीनों का नहीं पता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता, इवन नमाज कितनी अजान कितनी है, तीन है कुरान में, तीन है, कोई नहीं वो उसको भी खींचान के करते हैं, चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये दो आयात है, अब इसके ऊपर इतना पंगा है, इसके ऊपर इतनी हमेशा से बहस है, सूरह हूद की 114वीं आयत है, और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद पहली सात में नमाज पढ़ा करो, अब ये तीन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने इसकी दो इंटरप्रिटेशन बनाई हुई है कि ये ज्यादा बेहतर जाने वो, लेकिन वो छलांगे ही हैं सारी, और इससे दूसरी जो है वो ये है कि दिन के दरमियान वाली मुसलमानों सब नमाजें खसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर, ये इन्होंने ब्रैकेट में डाला बीच की नमाज, अब ये इन्होंने किस तरह बनाया इसका, ये तीन है, एक सुबह एक शाम और एक रात को, ठीक है, दो दिन के बीच में होगी। अब अगर इन्होंने कहा कि बीच वाली हो तो हम इसकी ये क्यों ना इंटरप्रिटेशन निकालें कि जो सुबह और मगरिब के दरमियान वाली, सुबह और इशा के दरमियान वाली जो है, रात के दरमियान वाली, ये अगली आयत में उसका जिक्र हो रहा है, लेकिन चलो हम ये भी खींच देते हैं कि दोनों के दो सिरों के बीच में भी जो एक आयत है एक नमाज है, तो चलो आपने जोहर डाल दी, असर फिर भी गायब है, तो तीन या चार। अब ये सारी जो है, अब ये जो डिबेट जो सेटल होती है कि कितनी पांच नमाजें हैं, ये आपको या तो हदीस से मिलती है या आपको जो अमली तवातर से जो चीजें चलती आ रही, यही है ना, सही कह रहा हूं ना, ये उससे, तो ये कुरान इसके खिलाफ मुकदमा है, और हम उसमें, लेकिन उसमें ये फंस जाते हैं इंजीनियर साहब जैसे लोग कि फिर इन्हें ये मानना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली इंतहाई एहतराम के साथ कि कुरान शरीफ एक मुकम्मल किताब नहीं है, कुरान अपने आप को पूरे तरीके से अपने मुकदमे को सामने नहीं रखता लोगों, आप हदीस और सुन्नत और जो जो
जो तवातुर से चलती चली आ रही है बातें, जो एक्शन जो चलता चला आ रहा है, इवन हदीस के अंदर भी नहीं लिखा हुआ कि आपने नमाजें किस तरह पढ़नी है, उठने उठ के बैठने किस तरह लगानी है, वो भी ये कहा कि आपने पैर पीछे कैसे रखना है, वो सारी चीजें आपने अमली तवातर से जो चलती है, तभी कई लोगों की बहस होती है इधर हाथ रखना उधर हाथ रखना या पैर पीछे इस तरह करना या उसको मोड़ना या क्या करना, तो ये सारी चीजें मुकम्मल नहीं है। ये मुकदमा बेहतर है कुरान इसके खिलाफ, लेकिन वहां पर ये फंस जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना कुरान अपने लिए काफी है, ना ना दोनों तरह से नहीं खेला जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।